हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजेसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक मशहूर एप्लीकेशन मनी व्यू के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आप इसका लोन समय से नहीं चुका सकते, किसी भी कारण आपके साथ कुछ भी हुआ हो, उससे इस कंपनी को कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसका लोन का एक ईएमआई मात्र, चाहे 10 रुपये का ईएमआई हो चाहे 10 लाख का हो, अगर आप बाउंस कर दिए तो भैया 5 दिन बाद आपके नाम पर अरेस्ट वारंट आ ही जाएगा। पक्का सबूत लेके आया हूं, क्योंकि बिहार के एक बच्चे के पास अरेस्ट वारंट आ गया है। उसने एडवोकेट से बात किया तो एडवोकेट ने कहा है कि भैया तुम्हारे नाम पे मैं कुछ नहीं कर सकता, अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम लेट कर दिए हो। बेचारा फंस गया है अच्छे तरीके से। तो आप लोग के साथ ऐसा ना हो, इसलिए वीडियो पूरा देखिए, मैं पूरा सबूत लेके आया हूं और आपको करना क्या है फुल डिटेल बताऊंगा। सबसे पहले उस बच्चे का मैं और एडवोकेट का और उस बच्चे का बात मैं आपको बता दूं, पूरा उनकी कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुनाना चाहूंगा, तो सुनिए यहां पे। हेलो जी, हां गुड मॉर्निंग सर। हां गुड मॉर्निंग, कौन सर? मैं सोनू बोल रहा हूं। कौन? सोनू जी सर। जो कंप्लेन किया है ना, तो सर राजवीर सर, राजवीर सर हमको नंबर दिया है। अच्छा, तो कंप्लेंट आपने किया है क्या? कोई मतलब कोई भी यहाँ बहुत सारे केस आते हैं जाते हैं, ऐसे मुझे मैंने याद तो होता नहीं है। आप फाइल नंबर बताओ। फाइल नंबर सर DC-202। DC-202 DC-202 फाइल तो सबमिट हो गई है। पूरी वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो भैया आपके साथ हो सकती है प्रॉब्लम कोर्ट में कार्रवाई के लिए। तो मैं चेक करवाता हूँ, कोई इसका जीरोक्स पड़ा होगा तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा, वर्बली तो याद नहीं रहता। अब एक मिनट लाइन पर रुको, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। सर देखिए, तो कौन कंप्लेंट किया सर, किस कंपनी ने किया और क्या मतलब? आप लाइन पे रहिए, आप लाइन पे रुकिए, मैं चेक करवाता हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ सर, सोनू कुमार नाम है क्या बिहार से? जी जी सर। ये तुम्हारा रिकवरी सूट में कंप्लेंट फाइल आया है दिल्ली सिविल कोर्ट में, केस किया है मनी व्यू लोन कंपनी वालों ने तुम्हारे ऊपर। मनी व्यू? हाँ, इनका आरोप है कि तुमने ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू घर बैठे 25,000 रुपए का लोन उठाया था। हाँ सर लिया था, लेकिन सर 4 EMI सर पे कर दिया था, लेकिन क्या 12 EMI बनी थी, 12 में से 4 तुमने पे किया, 12 के बाद 8 EMI तुम्हारा पेंडिंग रह गया। जी जी सर। और सिविल स्टेटस में अभी तुम्हारा जो रिकॉर्ड है वो राइट ऑफ शो कर रहा है, तुम अपना सिविल चेक करोगे तो उसमें दिख जाएगा, लोन की वजह से तुम्हारा स्टेटस राइट ऑफ हो गया है। और इसके अंदर टोटल बैलेंस आ रहा है 8 EMI के ऊपर पेनल्टी लगा के 19,062 रुपए। सर क्या है ना कि मैं जब से लोन लिया था ना, तो सर अपने इलाज के लिए ऐसे लिया था, क्या हुआ कि मेरा बाइक एक्सीडेंट हो गया था। वो आपने किसी भी पर्पज से लिया हो, EMI लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा ना सर? चुकाना पड़ेगा, लेकिन सर पैसा का प्रॉब्लम चुकाएंगे, अगर नहीं चुकाएंगे तो कंपनी वाले जब देना जानते हैं तो फिर लेना भी तो जानते हैं ना। जी ये बात तो है सर। मैं इसमें कल 11 बजे की कार्रवाई है आपके नियर बाई पुलिस चौकी से, पुलिस की टीम जाएगी आपके एड्रेस पर रिकवरी करने, कोर्ट का पेनल्टी 56,000 रुपए और लग जाएगा आपके ऊपर। आप क्या चाहते हो, समझौता करवाना चाहते हो या कानूनी कार्रवाई चाहते हो? नहीं सर, मैं देखिए सर गरीब लड़का हूँ सर, मैं कहाँ से, मैं कमाता खाता इंसान हूँ सर, मैं कहाँ से इससे कर पाऊंगा? गरीब है तो फिर पेशेंट नहीं होगा आपसे, नहीं हो पाएगा ना सर, हमारे पास कोई पैसा ही नहीं सर। कार्रवाई करवाते हैं, कोर्ट में आके बात करिएगा आप। सर मतलब कैसे सेटल करवाएंगे सर, बता दीजिए। देखिए यहाँ पे पूरी बात आपने सुनी, उस एडवोकेट साहब ने कहा कि मुझे कोई मतलब नहीं है, कंपनी देना जानती है तो लेना भी जानती है, अगर आप पैसे ना दो, नहीं दिए हो, आपके साथ कुछ भी हुआ हो, कोई मतलब नहीं है, कंपनी का EMI आपने नहीं दिया तो आप कोर्ट में लड़िएगा। तो पूरी बात मैं आपको समझा दूं, ये भाई साहब एडवोकेट आपको लग रहे होंगे, आप जैसे 2-4 लोगों को लग रहे होंगे, लेकिन हमारे जैसे लोगों को ये एडवोकेट बिल्कुल नहीं लगते हैं। इनकी बातों से हमें पता चल जाती है कि भाई साहब ये एडवोकेट नहीं है, ये क्या है, एक रिकवरी एजेंट है। इन्होंने सबसे पहले बताया कि आपका जो लोन है सिविल में रिटर्न ऑफ हो गया है,
तो भैया रिटेन ऑफ कब होता है, जब कंपनी को लगता है कि भाई सामने वाला दे नहीं पाएगा, अब लगता है चलो इस पे इंटरेस्ट जोड़ना हम बंद कर देते हैं, जितना शेष बचा हुआ है उतना ही दे दे सामने वाला, इतना ही पे स्टॉप कर देते हैं, उतना ही दे देगा तो ठीक है, बस वहीं पे कंपनी लेखा जोखा करना बंद कर देती है, उस पे इंटरेस्ट अब नहीं जुड़ेगा जब आपका लोन रिटेन ऑफ हो जाएगा तो। लेकिन भाई साहब ने कहा कि आपका सिविल में रिटेन ऑफ हुआ है और आपके नाम पे कंप्लेन आई है और आपके नाम पे अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। भैया इन्हें तो करोड़ों रुपये लेके भाग जाते हैं सब, अभी तक तो अरेस्ट वारंट आया ही नहीं भाई साहब, बेचारा के 18,000 रुपये के लिए अरेस्ट वारंट आ गया, कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है भाई। भैया डराओ उतना कि जितना चल सके उतना ही फेंको, जितना कि हजम हो सके, इतना मत फेंक दो कि भैया बाहर चला आए। भैया ये लोग कोई एडवोकेट नहीं होते हैं, मैं लगभग एक साल पहले से रट्टा मारता आया हूँ आपके सामने, रट मारा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए, कोई एडवोकेट आपके पास नहीं आएगा, कोई एडवोकेट आपके पास कॉल नहीं करेगा, इनके जो रिकवरी एजेंट हैं वही आपके पास एडवोकेट बन के कॉल करेंगे। देखिए कितना अच्छा एक्टिंग कर रहा था सामने वाला, एक बच्चा डर गया था मेरे पास जब व्हाट्सअप किया, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, फिर इसने क्या किया कि कहा मुझसे बात किया, उससे पहले भी इसने कुछ बहुत कुछ कर चुका था। उसके बाद इसने जब इन लोन वालों ने वकील साहब ने देखा, जो एजेंट वकील साहब बने हैं इन्होंने देखा कि सामने एकदम गया गुजरा है, एक भी पैसा नहीं देगा, तो वकील साहब ने कहा भाई तुम एक ईएमआई बस दे दो, बाकी काम ख़त्म। क्योंकि जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो मेहनत करते हैं, एक को ईएमआई अगर आप दे देते हैं तो उनका काम हो जाता है, उनको अपनी सैलरी मिल जाती है, इसीलिए वो लास्ट में कहते हैं भैया एक ईएमआई दे दो, एक ईएमआई, बस एक ईएमआई दे दो, समझ गए। वकील आपसे रटेगा भैया एक ईएमआई दे दो, कभी नहीं वकील कहेगा भैया उसको क्या है, उसको तो पैसे से मतलब है, जितना केस आएगा उतना ही इनकम बढ़ेगी, वकील तो चाहते हैं कि केस आए, हमारी केस लंबा खींचे और हमारी इनकम बढ़े, तो क्यों कहेगा भैया एक ईएमआई दे दो, वो तो कहेगा भैया चलो बढ़ाओ बढ़ाओ। तो भाई साहब ये वकील नहीं है, कौन है, एजेंट है, एजेंट ही एक ईएमआई मांगते हैं, वकील सेटलमेंट पूरा कराएंगे, ये वकील नहीं है, क्या है, एजेंट है। इस प्रकार की धमकी आपको भी मिल सकती है, इस प्रकार के जो वकील साहब हैं, वकील जज जितने भी क्वालिटी के होते हैं सब के सब आपसे मिल सकते हैं। तो ये आसान चीज़ है, किसी को फ़ोन करके वकील बन लो, एसपी बन लो, डीएसपी बन लो, एसआई बन लो, थाने से बोल रहे हैं आराम से, और आप जैसे लोग डर जाते हो इतना समझाने के बाद भी। तो भैया मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, एडवोकेट का इसमें कोई मतलब नहीं, अगर आपका लोन सिक्योर है, आपने कुछ गिरवी रखा है तो उसमें एडवोकेट आएंगे, सेटलमेंट कराएंगे। अब 18,000, 20,000, 2,00,000, 3,00,000 के लिए इतना मरते हो जैसे लगता है नीरव मोदी हो, भैया 1,000, 10,000 करोड़ लेके भागे हो, इतना डरते हो। भैया देखो मेरी बात एक सिंपल सा सुन लो, कुछ लोग हैं इतना डरते हैं भाई, मान लो मेरे पास मैंने लिया लोन, मैं ये तो सोच के लिया नहीं कि मैं नहीं दूंगा, मैं सोचा मैं दे दूंगा, लेकिन क्या करें फाइनेंशियल कंडीशन कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं होती है, मैं अगर नहीं दे सका लोन तो भैया उसमें मैं अगर कहीं से ला के या कुछ ऊट पटांग करता हूँ तो उससे नुकसान किसका है, मेरा है। तो मैं ऐसी स्थिति में क्या करूँगा, अगर मेरे पास पैसे नहीं है, सामने वाला मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, भैया ठीक है जब होगा मैं आपको 10 गुना दे दूंगा, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, 10 गुना दे दूंगा। अगर सामने वाला आरबीआई कहता है कि भैया पैसे के लिए हम किसी को डरा धमका नहीं सकते, और सामने वाला पैसे के लिए आपको धमका रहा है, तो आप सीधे कह दो भैया जी नमस्कार, आपसे जो बने वो कीजिए, मेरे बस की ना है, आप जाइए, आपको वारंट जारी करवाना है, हमको जेल में डलवाना है, फांसी चढ़वाना है, जो करना हो हमारे साथ करवा दीजिए, जाइए, मेरे पास नहीं है तो हम क्यों परेशान रहें, एक तो पैसे नहीं है उसके लिए हम परेशान हैं और दूसरे आप परेशान किए हो। तो भैया मुझे भी पता है मैं दे नहीं सकता, तो फालतू में आपसे बहस क्यों करूं, सीधे आप बोल दीजिए भैया नहीं है, नहीं दे पाऊंगा, जब होगा मैं 10 गुना दे दूंगा, बाकी आपके मन में जो भी विचार हो, वारंट जारी करवाना है, कोई भी कुछ भी करवाना है आप करवा सकते हो, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हो। भैया कंपनी वाले ऐसे धमकी फालतू नहीं देते हैं,
ये जो दो कौड़ी के लुल्लू पंजू होते हैं वही सभी एडवोकेट बनेंगे, एसपी बनेंगे, जो बनेंगे थाना अध्यक्ष बनेंगे, सब कुछ बन के फोन करेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। ये लोग जो रिकवरी एजेंट हैं, इन लोग की करामात यही होती है कि भैया जहां पे आज इस लेवल पे हैं, कल भी इसी लेवल पे होंगे, परसों इस लेवल पे आ जाएंगे। इनकी जो आप में जो मेहनत करेंगे वो इंक्रीज करेंगे, लेकिन ये लोग जो मेहनत करते हैं डिक्रीज करते हैं। क्योंकि देखिए रिकवरी एजेंट में जब तक गर्म खून है तब तक आपके अंदर 30-35 हज़ार का काम होगा महीने का, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है आपके अंदर भी मनोबल गिरता जाएगा, भैया क्या है भाग दौड़, किसी का गाली सुनो ये सुनो। दो चार साल जॉब करने के बाद कोई करता नहीं है रिकवरी एजेंट। नए नवेले लोग जो होते हैं ऐसी योजना बनाते रहते हैं सामने वाले को कैसे डराया जाए, कैसे धमकाया जाए, लेकिन होता कुछ नहीं है। इसलिए आप लोग बेफिक्र रहिए, पैसे हैं तो दीजिए, मैं कहता हूँ 20 गुना नहीं 1000 गुना दीजिए, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होना, कहीं इधर उधर से उल्टा पलटी काम करके इन लोगों को मत देना। भैया अगर आपके पास जब कमाई होगी 100 गुना दे दो, 14,000 का लोन है बहुत होगा, 10 साल में 28,000 होगा। अगर मेरे पास 1 लाख की सैलरी आ गई तो उस 28,000 के लिए क्या है, अरे हटो यार हटाओ, ऐसे होगा। इसलिए ये सोचिए कि भैया मैं अगर 28,000 का लोन है तो मैं 28,000 मंथली कमाऊं, मेरी 28,000 इनकम बचे मंथली, मैं 50,000 रुपये कमाऊँ, इस 28,000 के पीछे ना दौड़ूँ, फालतू सिविल के चक्कर में ना पढ़ूं कि भैया 28 सिविल अच्छा रहेगा तो 1 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। अरे यार काम ऐसा करो ना कि महीने का 1 लाख आए, इसके झंझट ही ना पालो, सिविल के नाम पे आपको प्रॉब्लम ही होगी। जितने भी लोग लोन लेते हैं कोई भी खुश दिख जाए तो कभी नहीं, हमेशा कार ईएमआई, होम ईएमआई, ए ईएमआई, ओ ईएमआई, फालतू में फंसे रहते हैं। भैया नहीं है पैसे कोई बात नहीं, सेकेंड हैंड ले लो। बहुत लोग ऐसे हैं जो 2 महीने के शान शौकत में खरीदते हैं, उसके बाद से उसके आधे रेट में बेच देते हैं, थोड़ा सा ऊपर ही में ही बेच देते हैं, तो वैसी चीज यूज किया करो, लेकिन नए चीज के पीछे मत भागो अगर पैसे नहीं है तो। हर चीज का एक रास्ता होता है, हर एक मुश्किल घड़ी का रास्ता होता है, वो रास्ता ढूंढो और उस पर चलो। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि असंभव है, हर चीज पॉसिबल है, बस आपको रास्ते की तरफ ध्यान लगाना होगा कि कैसे हम इस मुश्किल से निकले। आपके अंदर वो कला है, सबके अंदर है, लेकिन इच्छा आप नहीं रखते हो, सोच लेते हो बस जिंदगी यही है, दो रोटी नमक रोटी खाएंगे और जैसे आए हैं खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। ये तो डायलॉग भैया भूल जाओ, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, तो इससे अच्छा बैठ जाओ रोड पे। तो ऐसी भावना निकाल दो भैया, जब जो होगा आए जैसे वैसे जाए उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आए थे तब भी नहीं पता था, जाएंगे तब भी कुछ नहीं पता रहेगा। तो भैया जो बीच की घड़ी है, जो चीज़ हमारे दिमाग में चल रहा है, जो चीज़ हमें पता है, उसके बारे में तो अच्छा चीज़ सोच लें। तो प्रेजेंट सोचो, फ्यूचर सोचो, ई मत सोचो आए हैं जैसे वैसे जाएंगे, आराम से जो भी मुश्किल हो उसका रास्ता ढूंढो, आप 100% रास्ता मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।